Have you ever thought about this never-ending desire of humans to be superior than others? कितनी ज्यादा आज की डेट में ये डिजायर मैंने लोगों के अंदर बढ़ते हुए देखी है। मैं तो बच्चों बच्चों में भी ये चीज देख रही हूं कि आप दूसरों से अलग हटके बनो, लेकिन आई एम सुपीरियर देन अदर्स। ये फीलिंग क्यों, कहाँ से आ रही है? आप कुछ अच्छा करो, अपनी लाइफ में ग्रो करो, आगे बढ़ो, ये डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज हर कोई अपनी लाइफ में एक पर्पस लेके आया है। लेकिन वो चीज़ अगर आपको दूसरों को छोटा फील करने के लिए, आप दूसरों को छोटा देख रहे हैं खुद से, ये फीलिंग अगर ला रही है ना, अपनी हकीकत जाननी बहुत जरूरी होती है। इस पूरे ब्रह्मांड में ना हम एक छोटा सा कण है, जो अगर ये नेचर चाहे तो हमें कभी भी फूक मार के उड़ा सकता है। सो डेफिनेटली अपने लाइफ के पर्पस को आप जिए, बहुत ऊंचे बने, बहुत महान बने, लेकिन हमेशा हम्बल रहें, जेनरस रहें, काइंड रहें। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी आप इस नेचर को देते हैं, अपने आसपास के माहौल में स्प्रेड करते हैं, वही आपको वापस मिलता है। एंड दैट्स व्हाट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नेवर फॉरगेट योर कोर वैल्यूज एंड स्टे ग्राउंडेड, स्टे रूटेड।